I am Dr. Murtaza Ehsan Ansari, Associate Professor of ENT at Dow University of Health Sciences, OJA Campus, Karachi. Now we are going to show you how to take scenario-based a good history in 4 minutes. This is same as it is asked in your Viva OSPE examination. Here we have a simulated patient and a candidate, and she will ask this history in 4 minutes. And this scenario is a 42 years old lady presented with complaints of dysphagia and weight loss for 10 months. Please take relevant history from the patient. Now you are going to start. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ऐमन है. मैं आपसे आपकी बीमारी के मुताबिक कुछ सवालात करना चाहती हूँ. आपकी इजाज़त है? जी जी बिल्कुल. आपका नाम क्या है? सलमा. अच्छा, आप मेरे पास किस तकलीफ से आई हैं बताएंगी? मुझे खाना निगलने में बहुत मसला हो रहा है. अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको? पिछले कोई 9-10 महीने से ये मसला है. अच्छा, इसके साथ और कोई तकलीफ हो रही है? फिलहाल तो खाना निगलने में ही ज़्यादा मसला है. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वज़न बहुत कम हो गया खाना नहीं खाने की वजह से. ठीक है, और इसके अलावा कोई आपको शिकायत नहीं है? अभी तो कुछ नहीं. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं, आप 10 महीने पहले बिल्कुल ठीक थी? हाँ, 10 महीने पहले मुझे और कुछ भी नहीं था. अच्छा, तो ये जो आप मुझे बता रही हैं कि खाना निगलने की तकलीफ हुई थी, ये आपको अचानक शुरू हुई थी या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी? अचानक शुरू हुई है. अच्छा, अचानक शुरू हुई थी. ठीक है, तो इसमें आपको खाना रोटी चावल ये निगल लेती हैं या उसमें भी तकलीफ होती है? हाँ, यही मसला है कि रोटी तो बिल्कुल नहीं खा सकती. अच्छा, रोटी बिल्कुल. जैसे आप रोटी खाती हैं तो पानी से उतर जाती है या तब भी नहीं उतरती? पानी से उतारना पड़ता है, वो भी बहुत सारा पीऊँ गीला करूँ तो खा सकती हूँ, वरना नहीं खा सकती. ठीक है. अच्छा, आपके और पानी आपका चला जाता है? पानी चला जाता है, पानी का मसला नहीं हो रहा. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं? चार. चार बच्चे हैं, ठीक है. अच्छा, आपको तेजाबियत या मैदे पे जलन इस तरह की कोई तकलीफ है? वो तो शुरू से ही है, तेजाबियत और मैदे की जलन शुरू से है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ आपको कभी ऐसा हुआ है कि हलक में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या आवाज़ में कोई बदलाव महसूस हो या कान में तकलीफ हो? हलक में तकलीफ तो होती ही है साथ में निकलते वक्त, आवाज़ भी ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत है, लेकिन एज सच इतनी नहीं है. अच्छा, कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं कि आपकी आवाज़ बदलाव महसूस हो रही है? इतना आपको नहीं लगा? इतना नहीं मुझे ऐसा लगता. ठीक है. कान में दर्द है मुझे. ठीक है. अच्छा, इसके साथ आपको ऐसा होता है कमजोरी महसूस हो, आंखों के नीचे अंधेरा आए, आप चलें तो आपकी सांस फूले? हाँ, कमजोरी तो होती है, कमजोरी बहुत है. अच्छा, आपके अपने घर के काम नहीं कर पाती हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होती है. बहुत मुश्किल से करती हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं आपको माहवारी ठीक आती है? हाँ. अच्छा, आपका ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा खून जाया होता है? हाँ, होता था, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो मैंने दिखाया था, उन्होंने कहा रसोली है तो. अच्छा, दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ उसकी. उसकी दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ. उसके बाद थोड़ा बेहतर है? हाँ, उसके बाद थोड़ा बेहतर हो गया अभी. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आपको ऐसा होता है कि वो महसूस हो कि आपको खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा या पेट में दर्द हो रहा है कहीं? खांसी होती है मुझे. खांसी होती है? हाँ. उसमें बलगम वाली खांसी होती है, सूखी खांसी होती है? कभी बलगम आता है, कभी सूखी होती है. उसके साथ कभी खून तो नहीं आया है खांसी में? खून नहीं आया कभी. खून नहीं आया कभी? गर्दन पे कोई आपको गिठली महसूस हो? हाँ, एक गर्दन पे गिठली महसूस होने लगी है मुझे 2-3. अच्छा, इस तरह की गिठलियाँ जिस्म में कहीं और हैं आपके? नहीं, सिर्फ गर्दन में है. सिर्फ गर्दन में. और ये आपको कितने अरसे से महसूस होना शुरू हुई है? 2-3 महीना हो गया इसको. 2-3 महीने से. अच्छा, आपको पान, सिगरेट, छाले को इस तरह की आदत हैं कुछ आप इस्तेमाल करती हैं? हुक्का, बीड़ी, कुछ इस तरह की चीज़? पान खाती थी, छालियाँ तो कोई नशा नहीं है, छालियाँ तो खाते हैं बचपन से. अच्छा, तो कितने साल से खा रही थी? पान मैं कोई 10-15 साल हो गए होंगे, लेकिन अब छोड़ दिया, अब नहीं खा रही. और दिन में कितने खाती थी? 3-4. 3-4. ठीक है. अच्छा, आपके घर में कितने कमाने वाले अफराद हैं? एक ही है, मियाँ कमाता है. गुजर बसर ठीक होती है? हाँ, सही है. ठीक है. खाने में सब्ज़ी गोश्त का इस्तेमाल वगैरह करती हैं? गोश्त कम बनती है, सब्ज़ी ज़्यादा बनता है हमारे यहाँ. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो आपने मुझे बताया था कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो उसमें लोग आपको कह रहे हैं कि वज़न गिर रहा है या कपड़े आपके बहुत ढीले हो रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं कि आप? लोग भी बता रहे हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा ढीले हो गए, मुझे भी एहसास हो रहा है कम हो गए. ठीक है, चलें, शुक्रिया.